Hello everyone, welcome to Abhimanyu IAS. And the students who are searching for UPSC CSAT crash course, then Abhimanyu IAS is providing you the special crash for UPSC CSAT. Okay, जो भी students इसको avail करना चाहते हैं तो देखिए, एक तो आप हमारी website के through particular course को avail कर सकते हैं. देखिए, हमारी website है abhipedia.abhimanyu.com. यहाँ से आप choose exam पे जाएंगे. Choose exam के बाद यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, सिविल सर्विसेज एग्जाम. ओके, जब आप यहाँ पे जाते हो तो उसके बाद में आपका सी सेट का पेज यहाँ पे ओपन हो गया. अब सी सेट के अंदर यहाँ पे वेरियस ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको, फुल सब्सक्रिप्शन, वीडियो कोर्सेज, टेस्ट कोर्स एंड माइक्रोवर्सेज. जब हम बात कर रहे हैं स्पेशल क्रैश कोर्स की, दैट मीन्स दिस इज अ वीडियो कोर्स, और उसके लिए आपको कहाँ पे जाना है, वीडियो कोर्सेज पे जाना है. डन. जब आप इसको वीडियो कोर्सेज पे जाते हो तो यहाँ से आप देख सकते हो कि डिफरेंट वेरियस आपको वीडियो कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है. ठीक है, आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना. आप पहले अपना मन बनाए कि मुझे क्या चाहिए, क्या मुझे क्रैश कोर्स चाहिए या कंप्लीट कोर्स चाहिए. तो यहाँ पे कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है, क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है. ठीक है, डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल है. अगर आपको क्वांट की रिक्वायरमेंट है, यू कैन टेक ओनली क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश सभी यहाँ पे प्रोवाइड है. अभी हम बात कर रहे हैं स्पेशल क्रैश कोर्स की. स्पेशल क्रैश कोर्स के लिए आपने कहाँ पे जाना है, सी सेट क्रैश कोर्स. ओके, हम क्रैश कोर्स पे चलेंगे. अब यहाँ पे देखते हैं कि क्रैश कोर्स में हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं. सबसे पहले तो आप यहाँ पे 3 डेज का फ्री ट्रायल ले सकते हो. ठीक है, फ्री ट्रायल है, फ्री ट्रायल आप ले सकते हो. दूसरा, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यस, थ्योरी वीडियोज हैं, MCQ प्रैक्टिस वीडियोज हैं, प्रीवियस ईयर के वीडियोस हैं, माइक्रो टेस्ट्स भी हैं. तो यहाँ पे आप देखो 91 तो आपको सिर्फ टेस्ट ही मिल रहे हैं, बिकॉज हर एक लेक्चर के साथ में हमने टेस्ट अटैच किया है, सो दैट कि आपके साथ साथ में प्रैक्टिस भी हो जाए. ओके, अगर आपको कोई भी क्यूरी है, इन दैट केस यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर. आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. अगर आपको कोई भी क्यूरी है, कोई भी डाउट आता है, कुछ डेमो लेक्चर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, आप डेमो लेक्चर्स को अवेल कर सकते हो. ओके, जब आप यहाँ पे ट्रायल लोगे तो आपका ये सारा जो प्लेटफॉर्म है, इसका ब्लू प्रिंट, एक तरह से आप ही कह सकते हो कि आपके कोर्स का पूरा ब्लू प्रिंट आपके सामने आ जाएगा कि हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करें. यहाँ पे आप देख सकते हो मैथ एंड मेंटल एबिलिटी के 39 लेक्चर्स अवेलेबल है, 39 लेक्चर्स. ओके, लॉजिकल रीजनिंग के 19 लेक्चर्स अवेलेबल हैं और इंग्लिश के 6 लेक्चर्स अवेलेबल हैं. ओके, अब बात आ रही है कि हाँ, इसमें इतना कम क्यों है. तो हमने यहाँ पे प्रीवियस 10 ईयर्स के एनालिसिस के बाद में इस कोर्स को डिज़ाइन किया है कि जिन टॉपिक्स के अंदर से हर बार क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, उन टॉपिक्स को हमने यहाँ पे कवर किया है. अब आप देखोगे कि कौन कौन से टॉपिक्स है. जैसे यहाँ पे है नंबर सिस्टम, हमें पता है नंबर सिस्टम में से 10 से 15 क्वेश्चंस तक आपको मिल सकते हैं एग्जाम में. तो नंबर सिस्टम को डिटेल में लिया है. देखिए यहाँ पे आप देखो 10 लेक्चर्स आर अवेलेबल. ओके, अब यहाँ पे नंबर सिस्टम पार्ट 1, 2, अब हर एक लेक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो, 76 मिनट्स, 72 मिनट्स, 97 मिनट्स. दैट मीन्स कि 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर है. ओके, जिसमें आपका कंसेप्ट क्लियर किया गया. ये कंसेप्ट क्लियरिंग लेक्चर्स हैं. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल, एक यहाँ पे देखो, जो दो डेमो के लिए भी, और जब आप ट्रायल लेते हो तो उसमें से आप ट्रायल के अंदर भी कोई भी लेक्चर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो. ठीक है, ट्रायल में सभी अवेलेबल हो जाएंगे. ओके, जैसे LCM HCF हो गया, एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क, ये सारे लेक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल है. ओके, हाँ जी, अब एक लेक्चर को हम ओपन करके देखें कि पर्टिकुलर लेक्चर पे आपको क्या मिल रहा है. कोई भी आप ले लीजिए, डेमो का ये ले लेते हैं, या दूसरा भी आप कोई भी चेक कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, ये लेक्चर हमारे पास में. ठीक है, जब आप इसको ओपन करते हो तो उस केस के अंदर, दिस इज वीडियो लेक्चर्स, 1 आवर एंड 12 मिनट्स. ओके, हेयर यू कैन सी, बिल्कुल हम सारा कंसेप्ट आपको करवा रहे हैं. जैसे यहाँ पे है आपके पास में, यस, यहाँ पे जो भी पॉइंट्स है, जैसे रिमाइंडर कंसेप्ट यहाँ पे हमने डिस्कस किया, सारा यहाँ पे है. देखो, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बेसिक से यहाँ पे हम आपको क्लियर करवा रहे हैं. ठीक है, अगर आप कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे जो वीडियो लेक्चर है, इसको हमने पूरे के पूरे को वॉच करने के बाद में जो हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ है, तो अब उसके ऊपर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेस्ट अवेलेबल है. ठीक है, तो आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे. जब आप उस पर्टिकुलर टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे, यहाँ पे हो गया. ठीक है,
20 क्वेश्चंस का टेस्ट है। यहाँ पे देखो टेस्ट बिल्कुल आपको टाइमर के साथ में मिल रहा है, सो दैट कि दिस बिकम इजी फॉर यू। आप यहाँ से देख के, अभी मैं चेक नहीं कर रही हूँ क्वेश्चन, आप प्रॉपर तरीके से टाइमर के साथ में इसको करिएगा। जब आप पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करते हो तो उसके बाद में आपको उसका प्रॉपर रिव्यू मिलेगा, हर एक क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पे मिलने वाला है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ पर्टिकुलर टॉपिक मेरा कितना प्रिपेयर हुआ। यहाँ जैसे हम टेस्ट को सबमिट करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपने अपना फीडबैक डालना है कि हाँ जी टेस्ट कैसा लगा आपको, यहाँ से आप फीडबैक डालोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे फीडबैक डाल दिए, उसको हमने एंटर कर दिया। ओके यस, तो यहाँ पे कह रहा है कि करेक्ट आंसर हमने कितने अटेम्प्ट करे थे, 4 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए, उसमें से कह रहा है 3 करेक्ट है 1 रोंग है। ओके तो आपके जितने भी मार्क्स बन रहे हैं 12.5 के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स आ गए। आपको प्रीव्यू करना है, यू कैन प्रीव्यू। ओके यहाँ पे आप देख सकते हो कौन से क्वेश्चन रॉन्ग है विद एक्सप्लेनेशन। देखो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन के, ठीक है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से कुछ प्रॉब्लम आ रही कि नहीं ये मेरा करेक्ट है, बट यहाँ पे कुछ भी हर एक स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता, तो यहाँ पे अपनी रिपोर्ट एरर भी आप डाल सकते हो। ओके तो इस तरह से देखिए सभी आपको विद डिटेल मिल जाएगा। अब जैसे क्लास के अंदर डिविजिबिलिटी रूल कराया, तो डिविजिबिलिटी के ही क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, सो दैट के। और दूसरा टेस्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, देखो जब हम इस लेक्चर को देख रहे हैं तो इस पर्टिकुलर लेक्चर सिर्फ इतना नहीं है कि जस्ट आपने एक लेक्चर चेक कर लिया। यू विल मेक योर लो नोट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनके नोट्स बनाएंगे। उसके बाद में अगर मान लो जो क्लास में मैंने कराया है उसको भी आपको एक देखना है कि मैं एक बार रिपीट कर लूँ, तो उसके लिए भी हमने PDF प्रोवाइड किया है। यस दिस इज द PDF। ओके यू कैन व्यू द कंटेंट कि क्लास में आपको क्या कराया गया है, एक बार आप उसको भी चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस करवाए हैं, जो भी रूल्स करवाए हुए, ये सारा यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, सो दैट कि एक बार दोबारा से आप ब्रीफ रिव्यू ले लो। और मैं सभी को कहती हूँ कि कम से कम 3 बार हर एक क्वेश्चन को आपने, हर एक कंसेप्ट को 3 बार पढ़ना है। पहली बारी में जस्ट आप समझ रहे हो उसको, जब आप वीडियो देख रहे हो सिर्फ समझ रहे हो आप उसको। दूसरी बारी में वो उसको आप एक तरह से ग्रेस्प कर रहे हो कि अगर इसी टाइप का कुछ मिल जाता तो मैं कैसे करूँगी। और जब थर्ड टाइम आप कर रहे हो तो आपके टिप्स पे होती है वो चीज, और आपको आप ये कहोगे कि 1/4 टाइम लगेगा थर्ड टाइम पे। डन, तो इस तरह से ये आपको पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं। वेब नोट्स आर आल्सो अवेलेबल और हेयर। जैसे यहाँ पे इसके अंदर हमने रिमाइंडर थ्योरम करवाई, तो आपको रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से है, क्लियर। दूसरा, अगर आपको पर्टिकुलर कोर्स को गूगल के थ्रू सर्च करना है, अगर आपको साइट से नहीं जा पा रहे, कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ जाती है, तो गूगल से भी आप इसको सर्च कर सकते हो। देखो जब आप गूगल पे जाओगे तो यहाँ पे जो बेटा हमारा ऑनलाइन पोर्टल है, दैट इज अभिपीडिया, वी आर अभिमन्यु एंड अवर ऑनलाइन पोर्टल इज अभिपीडिया, सो साइट इज abhipedia.abhimanyu.com। ओके और यहाँ पे जब आप मेंशन करोगे तो यहाँ पे भी हमने क्या लिखना है, अभिपीडिया CSAT कंप्लीट कोर्स। क्या लिखोगे आप, अभिपीडिया CSAT कंप्लीट कोर्स। ओके यस, अगर कंप्लीट चाहिए, कंप्लीट क्रैश कोर्स तो क्रैश कोर्स, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है। ओके तो अभी हम क्रैश कोर्स डिस्कस कर रहे थे, तो अभिपीडिया CSAT स्पेशल क्रैश कोर्स, और ये यहां पे आपको मिल जाएगा। डन, सेम इज हेयर। तो आप इस तरह से जो न्यू यूजर हैं स्टार्टिंग में आपको ये सारा कुछ नहीं शो हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है बेटा, तो सारा नहीं शो हो रहा होगा तो घबराना नहीं है। सिंपल करना क्या है, पहले लोग यहाँ पे साइन अप कर लेंगे, ठीक है, लॉगिन और साइन अप की ऑप्शन वहाँ पे आ रही होगी, तो आप पहले साइन अप कर लोगे। जो भी आपका फ़ोन नंबर है, कुछ डिटेल्स आप फिल करोगे, ईमेल आईडी, तो आप साइन अप कर लोगे, OTP आएगा। उसके बाद में जब आप अपने डैशबोर्ड पे जाते हो तो अपने प्रोफाइल में जाके आप अपना एक पासवर्ड सेट कर लो, जिससे कि जब भी आपने बार बार अभिपीडिया के पोर्टल पर जाना है तो सेम आप यूज कर सको, बार बार आपको साइन अप करने की ज़रूरत ना पड़े। ओके सो स्टूडेंट्स, दिस इज द स्पेशल क्रैश कोर्स, और इस क्रैश कोर्स को अगर आप ऑनेस्टली मैं यहाँ पे क्यों कह रही हूँ, सिर्फ जो क्रैश कोर्स है उसको रजिस्टर करने से पेपर क्लियर नहीं होगा। अगर आप ऑनेस्टली इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर जो जो मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसको आप करते हो, इन दैट केस यू कैन ईजिली क्लियर योर CSAT। ओके जो आपका प्रीलिम्स का सेकेंड पेपर है, दैट इज GS पेपर 2,
आप उसके अंदर मोर देन 60% गेन कर सकते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स इट वॉज ऑल फॉर टूडे. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर. सो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जो न्यू यूजर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक करेंगे, सो दैट कि कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए. ओके, सो थैंक यू सो मच.